सोलन में नगर परिषद समय समय पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करती है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि यह कार्रवाई केवल रेड़ी फेड़ी वालों पर ही की जाती है, जो दुकानदार असल में अपनी दुकान के आगे सड़क घेर कर सड़क को संकीर्ण बना रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अतिक्रमण की कार्रवाई ऊंची पहुंच वाले तक नहीं हो पाती है और केवल रेड़ी फेड़ी चालकों पर कार्रवाई कर नगर परिषद अधिकारी इतिश्री कर लेते हैं। ऐसी ही कार्रवाई सोलन के बाजारों में आज भी की गई। जब अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की जानकारी रसूखदारों को मिली तो उन्होंने अपना अतिक्रमण जल्द ही हटा दिया और कुछ को अधिकारियों ने अनदेखा कर दिया। नगर परिषद ने कार्रवाई दिखाने के लिए रेड़ी फेरी चालकों को अपना निशाना बनाया और उनका सामान जब्त कर लिया, जिसकी वजह से रेड़ी फेरी चालकों में भारी रोष देखा गया। उन्होंने कहा कि चुनावों के वक्त उन्हें विस्थापन की बात की गई थी, कांग्रेस और भाजपा ने उन्हें स्थायी दुकानें देने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि रेड़ी फेड़ी लगाकर करीबन 150 परिवार अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन अब रोज उन्हें नगर परिषद द्वारा तंग किया जा रहा है। जी देखो, ये ना जो कमेटी वाले जो आ रहे हैं इतने दिनों से परेशान कर रहे हैं, ये 15 दिन हो गए हमारे को दुखी करते हुए, और जिनकी दुकान है वो तो आगे आगे लगाए, वो पीछे लगाए, वो जायज बात है। और हम लोगों की ना तो यहाँ कोई दुकान है ना ही हमारा कुछ है, हम फड़ी पे मंजे लगाते हैं और यहाँ 50-60 सालों से रहते हैं, हमारी ये तीसरी चौथी पीढ़ी है और हमारे बच्चे बूढ़े हम सब यहीं पर है। कम से कम 100-150 लोगों का पेट पलता था यहाँ से, और आज आके सारा म्युनिसिपैलिटी वाले सब ले गए हमारा सामान उठा के, मंजे कपड़े लत्ते सब ले गए उठा के। अब हम जाए तो कहाँ जाए, ना तो हमारी दुकानें हैं और ना ही हमारे पास बैठने की कोई जगह है, तो हमारे को ऐसे बोलते कि आप परमिशन लेके आओ। परमिशन कहाँ से मिलेगी हमारे को, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, हमारी इतने सालों से सुनवाई हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही सुनवाई। हमने सांडिल जी को एप्लीकेशन लिख के दी है, हमने यहाँ के जो पवन गुप्ता है उनको बोला है, हम बोर्ड मांगने के टाइम सारे नेता आते सब बोलते हैं हाँ जी हम आपका करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि बैठने तक का भी हमारा आज जो है उठा दिया। वहीं नगर परिषद अधिकारी का कहना है कि शहर में आम लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, सड़कें अतिक्रमणकारियों की वजह से संकीर्ण होती जा रही हैं, इसीलिए जिला प्रशासन के आदेशों पर वे कार्रवाई अमल में ला रहे हैं और ये कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। नगर परिषद के आदेश के अनुसार माल रोड और अंदर बाजार का अतिक्रमण, जो रेड़ी फड़ी वाले हैं, दुकान की आग लगा रखा है सामान, जो उसको हटाया गया आज 27/12/2018 को, और ये चलता रहेगा अभियान, और पिछले काफ़ी दिनों से चला हुआ है ये, और आगे तक भी चलता रहेगा। ये प्रशासन के आदेश के अनुसार हो रहा है। लोग भीड़ भाड़ में ज़्यादा परेशान रहते हैं, चलने फिरने में बहुत दिक्कत रहती है, लोग आगे अतिक्रमण लगा कर रखते हैं दुकान वाले आगे बाहर, उससे काफ़ी दिक्कत आ जाती है चलने फिरने में।